डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का है ये। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, इसमें से अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा? ऑड आएगा, इवन आएगा, जैसे टू ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर को अगर ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा? और बी नंबर में इवन नंबर्स, अगर दो इवन नंबर को जोड़ा जाए तो फिर इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा? तो हम लोग इसको एक पेपर में करके देख लेते हैं। यहाँ पे वन का हो गया ये, ए नंबर में लेते हैं, ऑड नंबर्स लिखा हुआ है, टू ऑड नंबर को हम लोग को ऐड करना है, क्या मिलता है? टू एड ऑड नंबर लेते हैं, 3 + 5, 3 + 5 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? दोनों ही ऑड नंबर है तो यहाँ पे आ गया 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ इवन नंबर आ रहा है, और एक एग्जांपल लेते हैं 5 के बाद से चलते हैं, 7 + 9, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 7 16 हो गया, तो यहाँ भी इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर में इवन नंबर, तो इसको हम लोग इवन नंबर लिख देते हैं, ये हो गया। उसके बाद बी नंबर में क्या कह रहा है? इवन नंबर्स, एनी टू इवेंट नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका हमको क्या रिजल्ट मिलता है? तो दो इवेंट नंबर ले लेते हैं, 2 हो गया प्लस 4, तो क्या हो गया? ये 6 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 7 8 ले लेते हैं, 8 + 10, कोई भी नंबर ले सकते हैं इस तरह का, तो इसमें क्या मिल जाता है? 18। तो यहाँ भी इवेंट नंबर है और यहाँ भी इवेंट नंबर है, इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या आता है? इवेंट नंबर, टू इवेंट नंबर को ऐड करते हैं तो हमें इवेंट नंबर ही मिलता है, इवेन नंबर, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ बतलाना है कि यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स बतलाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए नंबर में द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, 3 ऑड नंबर को ऐड करने पर इवन आएगा, ऐसा बतला रहा है। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, तो 3 ऑड नंबर लेते हैं तो यहाँ हो गया 3 + 5 + 7, 3 ऑड नंबर है ये, तो 12 हो गया, 5 7 12 और 3, 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इवन नंबर तो नहीं आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका मतलब है ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर, ऐसा ये बतला रहा है। तो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 + 5 + 1 इवन नंबर ले लेते हैं, 1 इवन नंबर तो 2 ले लेते हैं, इवन नंबर है, तो यहाँ कितना हो गया? ये 5 हो गया और ये 5, तो 10 हो गया, 10, तो इवन नंबर मिलता है। यहाँ पर इवन नंबर बतला रहा है कि इवन नंबर मिलता है, तो इवन नंबर मिल रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू हो गया, ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर ऑड नंबर आता है। तो यहाँ पे जैसे कि बतला रहा है, इसको हम लोग कर लेते हैं, 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 ऑड, तो 3 ले लेते हैं, 3 × 5 × 7, तो यहाँ पे 5 3 15 हो गया, 15 7 115 7 105, ये होता है, और ये ऑड नंबर बतला रहा है और ये सचमुच में ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब सी नंबर का ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ़ एन इवेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, एक इवेन नंबर, कोई भी इवेन नंबर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, द कोसेंट इज ऑलवेज ऑड, तो कोसेंट उसका जो आएगा हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो कुछ भी एक इवेन नंबर लेते हैं, जैसे कि 8 ले लेते हैं, 8, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, तो इसका आंसर आएगा 4, तो ऑलवेज ऑड, तो ऑड तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे इवेन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद ई नंबर में, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ऑल प्राइम नंबर्स मतलब सभी प्राइम नंबर जो है वो ऑड होता है, तो सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं होता है, 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो इवेन प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया। उसके बाद प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर का को
कोई भी फैक्टर नहीं होता है, ऐसा यहाँ बतला रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। प्राइम नंबर का दो फैक्टर होता है, एक वन होता है और वो एक खुद होता है। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दो प्राइम नंबर को जब जोड़ते हैं तो हमेशा इवन नंबर आता है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि एक प्राइम नंबर टू भी है। तो टू और थ्री को अगर जोड़ते हैं तो इसका आंसर आता है फाइव। ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। इसका मतलब है सम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर को जोड़ने से हमेशा इवन नंबर आता है। तो इसका मतलब है कि जी नंबर में फॉल्स हो रहा है। इसको फॉल्स लिखते हैं यहाँ पे। और टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये सही है क्योंकि यही एक है जो इवन है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद आई नंबर में ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ऑल इवन नंबर नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल इवन नंबर कंपोजिट नंबर में सिर्फ फैक्टर्स टू से अधिक होना चाहिए, तो ऐसा नाइन जो है वो ऑड नंबर है, नाइन ऑड नंबर है और वो कंपोजिट नंबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। इसके बाद जे नंबर में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर, तो दो इवन नंबर ले लेते हैं, टू इंटू फोर कितना आ गया, फोर टू जै एट, तो यहाँ पे ऑलवेज इवन नंबर, तो एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सिक्स ले लेते हैं इंटू, और एट नाइन टेन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, सिक्सटी आ रहा है, तो दोनों स्थिति में इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। इस तरह से हम लोग ट्रू फॉल्स आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, और इसमें क्या कह रहा है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, 13, 31, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, और दोनों ही नंबर में एक ही नंबर सेम नंबर आया हुआ है, 1 इसमें 1, 3 है और इसमें भी 3, 1 है, तो इसमें वही नंबर है, सिर्फ लौट गया है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, 100 से नीचे का जितना भी पेयर इसका मिलता है तो उसको लिखना है। तो यहाँ पे पेपर ले लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तो सबसे पहले 13 और 31 दिया हुआ है, उसके बाद 13 से आगे जो है हम लोग को 91 तो आता है, 17 लेते हैं, 17 एंड 71, एक पेयर ये मिल जाएगा, और उसके बाद दूसरा पेयर 37 एंड 73, ये हो गया, और एक जो है 37 तो हो गया, उसके बाद 79 एंड 97, इसके बाद जो है 97 से फिर प्राइम नंबर हो जाता है, 97, 98, 97 लास्ट प्राइम नंबर होता है, उससे पहले जो है लगातार 7 नंबर जो है 90 से 96 तक वो लगातार काउंटिंग नंबर जो चलता है उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है, तो वही सबसे बड़ा गैप है वहाँ पे कंपोजिट नंबर का। क्वेश्चन नंबर फोर में हम लोग चलते हैं, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20, 20 से नीचे का प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का लिस्ट यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है। तो फोर नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और इसका सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्राइम नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है, प्राइम नंबर लिखते हैं, प्राइम नंबर का लिस्ट लेते हैं, तो 1, 2 से चलेगा, 2, 3, 4, 5 होगा, 6, 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा, 12, 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 19 हो जाएगा, उससे आगे जाना नहीं है। उसके बाद कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, नंबर इसमें क्या आ जाएगा, 1 तो लेना नहीं है, 2, 3, 4 हो जाएगा, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा, 13, 14 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर का लिस्ट हो जाएगा 20 से नीचे, और ये कंपोजिट नंबर का ये लिस्ट हो जाएगा 20 से नीचे। क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में कौन सा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, तो 3 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 2, 3,
फाइव सेवन, सेवन के बाद अगर हम जाते हैं तो एलेवन चला जाता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर फाइव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेवन, ओनली सेवन हो जाएगा, ये सेवन, ये इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। इसको जो है लिखना है, दो प्राइम नंबर को ऐड करके इतना आना चाहिए, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स। और सबसे पहले दिया हुआ है 44, ये नंबर में 44 हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बड़ा नंबर लेंगे, जैसे कि इसको सबसे, इसके नज़दीक में कौन सा प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे नज़दीक में 44 है, तो सबसे नज़दीक में 41 मिल जाएगा, 41, और इसमें बच गया 3, तो वो भी प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 41 प्लस 3, ये हो गया। उसके बाद बी नंबर, बी नंबर में 36 दिया हुआ है, 36, तो इसको हम लोग, इसका सबसे बड़ा नंबर हो गया 31 हो रहा है, 31 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे बच गया 5, 5 भी प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 31 प्लस 5, ये हो गया। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद सी नंबर में लेते हैं, यहाँ दिया हुआ 24, तो इसका 24 में सबसे बड़ा नंबर जो है प्राइम नंबर 21 तो नहीं है, 23 ये भी नहीं है, तो यहाँ पे 19 है और वो प्राइम नंबर है, तो 19 के बाद 5 बच जाता है, तो 5 बचता है तो हम लेते हैं 19 ले लेते हैं बड़ा नंबर, और प्लस 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, ये हो गया। इस तरह से डी नंबर, 18 दिया हुआ है, तो 18 में सबसे बड़ा इसके नज़दीक में क्या है? 18 से नीचे जाते हैं 17, वो प्राइम नंबर है लेकिन 1 फिर उस पर ऐड नहीं होगा। उसके बाद उधर नीचे चले जाते हैं 13 पे चले जाते हैं, तो 13 से और 5 बच जाता है इधर, तो भी प्राइम नंबर है, तो 13 लेते हैं, बड़ा नंबर 13 है और ये प्राइम नंबर है, प्लस 5 ये भी प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसका आंसर जो है डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि अगर 11 हम लेते हैं यहाँ पे, 13 के जगह पे यहाँ पे, तो 7 बढ़ जाएगा, तो 7 भी प्राइम नंबर है और ये 11 भी प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर डिफरेंस आ सकता है और दोनों ही सही होगा। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, गिव थ्री पेयर्स और प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, ऐसे तीन पेयर लिखना है प्राइम नंबर का जिसको घटाने पर 2 आए, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 रहेगा। यहाँ पे एक बतलाया हुआ है कि टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, जिन दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है तो वैसे प्राइम नंबर को, वैसे पेयर्स को ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लेते हैं 3 और एंड 5, तो यहाँ पे दोनों के बीच में 2 का गैप है, इस तरह से हो गया। और एक ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ले सकते हैं हम लोग 5 एंड 7, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। उसके बाद एक पेयर ले सकते हैं 11 एंड 13, और इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है, तो ये तीन पेयर हो गया और तीन पेयर ही लेने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें से प्राइम नंबर कौन है? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं प्राइम नंबर कौन है, तो इसका आंसर मैं यहीं कर देता हूँ। प्राइम नंबर एक ये हो गया, तो इसको टिक लगा देते हैं, एक प्राइम नंबर ये है 23 और एक प्राइम नंबर ये है 37, ये हो गया इसका आंसर। राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, तो ऐसे 7 लगातार नंबर को लिखने के लिए कहा जा रहा है जो कंपोजिट हो और उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो, और वो भी 100 से नीचे नंबर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं अभी बतला चुका हूँ कि 90 से लेकर 96 तक का जो नंबर होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिव कंपोजिट नंबर होता है, मतलब लगातार कंपोजिट नंबर होता है, जो 7 नंबर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 7 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर मांग रहा है, तो यही जो है इसका आंसर मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये 90 से लिखेंगे हम लोग, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये हो गया। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो
यहाँ पे सेवन कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर यही है, इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है और ये 100 से नीचे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 10 को यहाँ पे यहाँ क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स। इसको ये जो नंबर दिया हुआ है इसको थ्री ऑड नंबर में, अलग अलग नंबर में जो है थ्री ऑड नंबर बनाना है जिसको ऐड करने से 21 आ जाना चाहिए, इस तरह का बतला रहा। तो यहाँ पे हम लोग 10 नंबर लेते हैं, फर्स्ट में दिया हुआ है 21, तो इसको क्या क्या नंबर लिया जाए कि ये ऐड करने के बाद 21 आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 + 7 + 11, ये हो गया। तो यहाँ पे सभी प्राइम नंबर्स हैं और इसको ऐड करने पर 21 आ जाएगा। उसके बाद बी नंबर में 31 दिया हुआ है, 31, तो इसको यहाँ पे लेते हैं 3 + 11 + 17, ये हो गया। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कई बार जो है लिख के उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ये आसानी से समझ में आएगा, और वैसे मैं कई बार बनाता रहता हूँ इसलिए मुझे याद रहता है। उसके बाद सी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 53, तो इसका हो जाएगा 13 + 17 + 23, ये हो गया। उसके बाद डी नंबर में 61 का दिया हुआ है 61, इसका हो जाएगा 19 + 29 + 13, ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिवाइडेड बाय 5। तो ऐसा पेयर बनाना है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है जैसे कि 3 + 7, ये दोनों ऑड नंबर है, मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है और जिसका एड जो है 10 आया है, तो 10 आया है ये 5 से डिविजिबल है, यहाँ डिविजिबल बाय 5। तो ऐसा नंबर आए जो 5 का मल्टीपल्स हो और 20 तक ले सकते हैं, जैसे 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10, 15 और 20, ये चार नंबर ऐड करने के बाद आने पर हमें 5 से डिविजिबल मिलेगा, तो इस तरह का नंबर हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 को। तो एक पेयर तो यहाँ दिया हुआ है और जो पेयर दिया हुआ है उसको लिखना नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेयर लेते हैं 2, यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ ऑड इवन की बात नहीं किया है, तो यहाँ पे 2 हम ले सकते हैं, 2 + 5 2 + 3, तो दोनों ही प्राइम नंबर है और ये ऐड करके 5 आता है और ये 5 से डिविजिबल है, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर लेते हैं, ये 13 लेते हैं, 13 + 2, दोनों ही प्राइम नंबर है और इसको ऐड करने पर आता है 15, और 15 जो है 5 से डिविजिबल है। उसके बाद कोई ऐसा प्राइम नंबर जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रिपीट करने के बाद फिर 5 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए, तो ये 5 + 5, इसको रिपीट कर सकते हैं, किसी और प्राइम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऐड आ रहा है 10, तो ये एक पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ रहा है, ये डिविजिबल है 5 से। उसके बाद एक लेते हैं 13 + 7, तो इसको ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, 20, और 20 जो है वो 20 से डिविजिबल है, इस तरह से हो गया, 4 पेयर हो गया। इसके बाद एक पेयर लेते हैं 17 + 3, ये दोनों को ऐड करने से हमें 20 मिलेगा, दोनों ही प्राइम नंबर है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 पेयर हो गया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन 11 का ये आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको मैंने पहले से इसमें फुलफिल कर दिया है, यहाँ पे समझ लेते हैं। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम मैंने लिखा है सिर्फ और कंपोजिट लिखा है, आप यहाँ पे प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, इसके साथ नंबर भी लगा सकते हैं, नहीं लगाने पर भी गलत नहीं होगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा, 2 से स्टार्ट होता है इसलिए 2 इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो 1 तो यूनिक नंबर है, 1, 2,
टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, तो इसके बाद आता है फोर। ये जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद एफ नंबर में द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर, जीरो नहीं माना जाता है और वन इवन नंबर नहीं है, तो टू, तो सबसे छोटा जो है सबसे छोटा इवन नंबर टू हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि इस तरह से बनाऊँ कि आप लोगों के किसी भी तरह का डाउट ना बचे। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है। और अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।